हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है जो मतलब क्लास सिक्स का गणित बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें का क्वेश्चंस बनाना। तो प्रश्नवाली 1.1 का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न एक है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कि 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो 1 लाख में आपको 10,000 जोड़ के 1 लाख होता है, तो 10,000 होगा। तो 1 लाख इक्वल टू 10,000। देखिए यहाँ सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। अब ये तो हमारा था ए, मतलब प्रश्न एक में ही आपको 5 क्वेश्चन है। तो अब हम दूसरा बनाते हैं, यानी कि बी। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो 1 मिलियन में हम लोग को 100,000 होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि 1 लाख में जब 10,000 होंगे तो 10,000 टोटल, मतलब तो हम लोग अगर मिलियन, यानी कि आप जानते ही हैं 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख में आपको 100,000 होंगे। तो अब चलते हैं सी पे, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ चलिए देखते हैं, 1 करोड़ में आपको होते हैं 10 लाख। जैसे यहाँ पे आपको लाख में थे 10,000, क्योंकि लाख से छोटे होते हैं 1,000, वैसे ही करोड़ से छोटे होते हैं लाख। तो 10,000,000 10,000,000। तो ये था इसका आंसर सी। अब हम चलते हैं डी पे। डी में यहाँ पे जैसे हम लोग को 1 मिलियन दिया गया था, यहाँ पे वैसा ही दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो 1 करोड़ यहाँ पूछा गया है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो 10,000, तो आप जानते ही 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख 10 लाख जोड़ के ही बनता है 1 करोड़। तो 10 मिलियन यानी कि 100 लाख। और हम अब चलते हैं ई पे। ई पे हमारा क्या है कि एक सेकेंड, तो अब हम ई पे चलते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो आप सबको पता ही है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो इसका भी आंसर होगा 10 लाख। तो ये था हमारा प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, प्रश्न लिखता हूँ 2, प्रश्न 2। अब हमारा क्या है कि क्वेश्चन देखिए, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पे अब हम ए देख रहे हैं कि ए क्या चीज़ है। तो 73,75,307। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, पता है कहाँ से लिखना। तो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ फर्स्ट। तो हम पीछे से शुरू करेंगे और थोड़ा सा इधर से शुरू करेंगे, ताकि स्पेस ज़्यादा ले, मतलब स्पेस अच्छा मिल जाए इसको और सुंदर बने। तो आपको 307 यानी कि 307, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 307। और क्या है 307, यहाँ पे आपको है अब 75,000। 75,000 तो आपको हो जाएगा
75, और ये हजार में कितने जीरो होते हैं, तो 3 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी थे, इसलिए हमने एक भी जीरो नहीं डाला। तो ये हमारे हो गए 75,307, यानी कि 75,307। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आगे क्या है, था सबसे आगे मतलब 73 लाख। अब देखिए लाख में जो हमारे 5 जीरो होते हैं, तो इसमें हमारा 5 जीरो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे सीधा 73 लिख देंगे। 73 कितने होते हैं हमारे, 75 होते हैं, 73 होते हैं, तो यहाँ पे हम 73 लिखेंगे। देखिए तो ये हमारा एक आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं बी पर। बी पे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 9,05,41, तो अब हम यहाँ पे बी में लिखेंगे, तो लास्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 5,41, तो हमारा क्या होगा, तुम्हारा 41 जो होता है वो होता है 41, तो हम लास्ट में लिखेंगे 41। और लाख में हमारे कितने जीरो होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 5 जीरो, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, तो 2 को हम लोग अब जीरो मान के और 3 जीरो और यहाँ पे लिखेंगे। देख लीजिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो मतलब 3 जीरो और ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम, अब हमें आगे देखना है, तो 5,05,000 था, तो जीरो के आगे 5 लगा देंगे। तो अब हमारा आगे का क्या है, तो देखिए एक से मैं कॉमा डाल देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अब हमारा क्या था कि 9 करोड़, तो करोड़ में हमारे कितने मतलब जीरो होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है, तो एक और जीरो ऐड करेंगे, तो एक और जीरो हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब आगे कॉमा लगा के और 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का आंसर, यानी कि 9,05,41। तो अब हम सी पे चलते हैं। सी पे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 7,52,21,302, तो अब हम फिर से लास्ट करना शुरू करेंगे, तो है ये कि 302, तो लास्ट में हम 302 लिख देते हैं, 302। देख लीजिए मैंने 302 यानी कि 302 लिख लिया है। अब है 21,000, हजार के लिए 3 जीरो चाहिए होते हैं, यहाँ पे 3 जीरो ऑलरेडी है, तो एक कितना है 21,000, तो 21 यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, क्योंकि 3 पुट की हमको इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय संख्या, ये भारतीय संख्या में डालना है इसमें कॉमा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 और 21, और तो ये हो गया 21,302। अब हम आगे एक और कॉमा डाल देंगे, क्योंकि 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा डालता है, लास्ट में ही सिर्फ 3 के बाद होता है, तो 2 के बाद कॉमा। अब फिर हमारा था क्वेश्चन में 21,000 से पहले 52 लाख, तो 52 लाख आपको पता ही होगा, 52 लाख, तो हमारा 52 होता है 52, तो 52 हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमारा लाख है तो, और 5 जीरो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो 52 हम यहाँ लिख देंगे, पहले से ही 5 जीरो थे और लाख में हमारे 5 जीरो होते हैं, इसीलिए हम आगे लिख देंगे बिना कोई जीरो डाले हुए। तो अब हमारा आगे का क्या था कि 7 करोड़ था, तो अब देखिए यहाँ पे 7 जीरो है, मतलब 7 अंक है या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ऑलरेडी, तो अब हम सीधा 7 लिख देंगे, तो हमारा जो सी है इसका आंसर यही होगा। और आपको समझ में आ गया, तो डी पे बढ़ते हैं। डी हमारा क्या है क्वेश्चन जानते हैं। 58,423,202, तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पीछे से लिखना हम शुरू करेंगे, तो 202 था वहाँ पे, तो 202, और 3 के बाद कॉमा देता है, इसलिए ऐसे हम कॉमा दे देंगे। उसके बाद हमारा था 23,000, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 हैं, तो 23 यानी कि 23,000
23,202, यहाँ तक का मतलब यही है 23,202। अब क्या है तो अब क्या था हमारा 58,400, 400 था तो 400 मतलब एक सेकेंड 423 मतलब 423 था, यहाँ पर 423 हो गया। अब फिर ये हमको लगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय में है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में है, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 के बाद कॉमा डाल दिया है। अब देखिए इससे पहले चाहे 58 मिलियन, यानी कि 58 मिलियन क्या होता है, मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मिलियन हो जाएगा यहाँ पे 58, और उसमें कितने जी मतलब संख्या होती है तो वो 6 होती है, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा 58। तो डी ई, अब ई बनाते हैं, ई क्या है 23,30,010, 23,30,010, तो 23,30,010 का होगा कि आगे हम लोग सबसे पहले 10 डाल देंगे 10। अब हमारा क्या था 23,03,000, और इसमें 3 जीरो नहीं है तो हम एक जीरो मतलब हाँ 3 संख्या नहीं है तो हम एक जीरो डाल देंगे और फिर कॉमा डाल देंगे, क्या था 3,000, तो अब हमारे आप 3 लिखा सकते हैं। वन सेकेंड, ये एक्चुअली ये 30,000 था, गलती से 3 लिखा गया, तो यहाँ पे मैं एक और जीरो ऐड कर देता हूँ, आप भी जीरो ऐड कर लीजिएगा 3 लिखने से पहले। तो अब हमारा 2 हो गया था, फिर एक कॉमा डाल के, और क्वेश्चन में है कि अब 23,00,000, 23,00,000, तो 823 यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 2 का पूरा आंसर, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ तो 3, अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं 3 पे, तो प्रश्न 3 क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं, प्रश्न 3 यहाँ लिख लिया है, अब देखिए प्रश्न 3 क्या है जल्दी जल्दी पढ़ना है। निम्न संख्याओं को भारतीय संख्याकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये वो क्या कहते हैं उसको, हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं अब बताऊँगा आपको। तो अभी पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का जो होता है ये भारतीय वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंतर सॉरी अंतर्राष्ट्रीय में हमारा जो फर्स्ट वाला है वो होगा, पहले नंबर लिख लेते हैं, फिर 7,5 5,9,5,7,6,2। तो अब इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, और ये हो गया भारतीय। भारतीय में आपको ये हो जाएगा 8,7,5,9,5,7,6,2। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ये हो जाएगा क्वेश्चन ए का हो जाएगा। तो अब हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं, तो मतलब बी था बी, हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ये ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय है, मैंने बस इतना ही लिखा है, आप समझ जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय है। तो बी है हमारा 8,5 मतलब 8,5,4,6,2,2,8,3। तो अब हमें इसको अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है, तो 3 आगे से 3 मतलब पीछे से उधर से 3 के बाद कॉमा, फिर इधर 3 के बाद कॉमा, और आगे 3 अंक है ही नहीं तो छोड़ देंगे अब। तो अब हम भारतीय हाँ,
तो भारतीय में हमारा हो जाएगा 8584622283, तो 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये हो जाएगा। सी में आपको अंतर्राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय है ऊपर वाला, आपको है 9990046। तो अब इसके मतलब अंतर्राष्ट्रीय है 3 के बाद, 3 के बाद और आगे 3 नहीं है तो उसके आगे नहीं, तो डी सॉरी भारतीय लिखना छोड़ी गया, भारतीय फिर वो नंबर 9990046। तो अब इसके 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, अब डी यानी कि लास्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय 9843270101 9843270101 हाँ यही है। तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर अब आगे 3 नहीं है तो भारतीय में है यही चीज 9843270101। तो अब भारतीय में लिख रहा हूँ तो 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब मैं आपको हिंदी में एक बार बोल देता हूँ, तो ये जो है हमारा इसका होगा, एक सेकेंड, हाँ तो अंतर्राष्ट्रीय ए का पहले बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊपर, तो अंतर्राष्ट्रीय में पहले बताते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय में इसका होगा 87,595,762। तो ए का अंतर्राष्ट्रीय ये होगा और ए का भारतीय होगा 8,75,95,762। अब बी पे चलते हैं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय होगा 85,462,283। तो इसका यही होगा अंतर्राष्ट्रीय, और भारतीय होगा 8,54,62,283। तो अब सी पे चलते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय होगा 99,900,046, और इसका भारतीय होगा 9,99,46। अब डी पे चलते हैं, तो डी का अंतर्राष्ट्रीय होगा 98,432,701, और भारतीय होगा 9,84,32,701। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सॉल्यूशन लाता रहूँगा आगे का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, थैंक यू।